अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है कैनेडियन फेमस डिश पुटीन। ये बिलोंग करती है क्यूबिक से और ये कॉम्बिनेशन है फ्राइज, ग्रेवी और चीज़ कर्ट के। मैं इसको बनाने के लिए वेजिटेबल यूज़ कर रही हूँ और मैं ले रही हूँ गाजर। इसको मैंने छील के इसके स्लाइस कर लिया। ये सेलरी है थोड़ी सी मेरे पास, टर्निप है इसको भी मैंने कट कर लिया, ब्रोकली है इसके भी मैंने स्लाइस कर लिए। इसके अलावा मेरे पास रेड ऑनियन, टमाटर, फ्रेश पार्सली, थोड़े से मशरूम मैंने यूज़ कर रही हूँ। और ग्रेवी में मैं डालूँगी 3 से 4 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून मैदा, 1/4 टीस्पून ऑर्गेनो और क्रश चिली। इसके अलावा ऑलिव ऑयल यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम रोज़ मैरी, बेसिल, ब्लैक पेपर, ऑर्गेनो, थाइम, सॉल्ट सब 1/2 टीस्पून लेंगे और 4 क्लोव ऑफ गार्लिक। तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होंगी पुटीन बनाने के लिए। पैन में हम 4 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल लेंगे, उसमें गार्लिक, सारी वेजिटेबल्स डाल के 5 मिनट तक हम सॉटे करेंगे। और इसमें हम 3 कप जो है वाटर डाल के सारे स्पाइस इसमें हम डाल देंगे, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, रोजमेरी, बासिल, ऑर्गेनो, थाइम। इसको हमने मिक्स किया अच्छे से। अब ये जब बॉयल आ गया तो मैं इसको कवर करके अब मैं इसको पकाऊंगी इतना कि ये गल जाए। ये देखें, ये 80% जो है ये हमारी गल चुकी हैं सब्जियां। तो इसमें थोड़ा सा मैं और पानी डाल के इसको और अच्छे से बिल्कुल 100% इसे कुक कर लूँगी। स्ट्रेनर में डाल के मैं स्पून से इसको प्रेस करके सारी ग्रेवी जो है वो बाउल में निकाल लूँगी। अब हम ग्रेवी बनाएंगे। मैंने 2 टेबलस्पून बटर, 2 टेबलस्पून मैदा, 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, इनको डाल के अच्छे से हमने सॉटे करना है जब तक अच्छी सी खुशबू ना आए। उसके बाद जो हमने ये ग्रेवी थी वो डाल के इसको इतना पकाना है कि ये थिक हो जाए। अब इसमें हम 3 से 4 टेबलस्पून सोया सॉस डालेंगे। ऑर्गेनो और क्रश चिली 1/4 टीस्पून डाला है। अभी हमारी ग्रेवी देखें थिक हो गई है, रेडी हो गई है। इसको हमें बिल्कुल गर्म सर्व करना है। मैं जो है मोज़ेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चीज़ कर्ड या मोज़ेला चीज़ जो आपको पसंद हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमने प्लेट में फ्राइज डालना है, उसके बाद मैं डाल रही हूँ मोज़ेला चीज़ और बिल्कुल ग्रेवी हम गरम गरम ऊपर डालेंगे ताकि वो जो चीज़ है उसमें अच्छे से वो मेल्ट हो जाए। और इसको बिल्कुल गर्म हम सर्व करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये डिफरेंट सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप लोग भी इसे ट्राई करें और मुझे बताएं कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।